नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर की, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये प्रश्न इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा परीक्षोपयोगी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो UP SSC पैट का पेपर होने वाला है या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। हालांकि UP SSC पैट के अंदर ये जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है, उसके संबंधित प्रश्न भी इसके अंदर सारे के सारे कवर किए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है, बने रहिए लास्ट तक। सारे के सारे प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी पिछली परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं या फिर अति संभावित ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगे पूछे जाने के जिनके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, इसका जो संशोधन है कितनी बार किया गया है, इसका संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। हमारी जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल हालांकि जो हमारे संविधान का एक ऐसा भाग है जिसके अंदर पूरे के पूरे संविधान की एक छवि दिखाई पड़ती है। जो सबसे पहला पेज हमारे संविधान का है वो उसका प्रीएम्बल या फिर उसकी प्रस्तावना ही है, जिसके अंदर हमारे संविधान की पूरी मूल बातें जो हैं उनके बारे में एक विस्तृत विवरण, इसके अंदर संक्षेप में एक विवरण मिलता है। तो उस प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है अब तक, प्रश्न हमारा ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका जो सी आंसर है, एक बार इस उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना का संशोधन किया जा चुका है। और वो भी कब इसका संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा इसका एक बार संशोधन किया जा चुका है। उम्मीद है आपको पहला प्रश्न ही समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। हमारे भारत के संविधान में कुछ अधिकारों की चर्चा की गई है, जैसे कि कुछ मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक अधिकार हैं, कुछ विधिक अधिकार हैं। तो इसके अंदर जो चर्चा की गई है, ये पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, मतलब राजनीतिक अधिकार को छोड़कर बाकी कोई अन्य अधिकार वो हो सकता है लेकिन राजनीतिक अधिकार वो नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, मत देने का अधिकार क्या राजनीतिक अधिकार नहीं है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है क्या, चुनाव लड़ने का अधिकार या सरकार के निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी, जीवन जीने का अधिकार, या फिर इसका कहा जाए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 21 के अंदर इसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 21 के अंदर जीवन जीने के अधिकार की। तो ये हमारा जो है एक राजनीतिक अधिकार ना होकर ये एक हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा एक मूल अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। जबकि मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार के निकायों के पास शिकायत करने के अधिकार जो हैं ये हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। तो जीवन जीने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार ना होकर एक मौलिक अधिकार है और इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर की गई है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सीधे। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। इसके अंदर एक कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि मिनी संविधान के अंतर्गत जाना जाता है। तो कौन सा 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था, 42वां संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1978, इनमें से कौन सा जो है वो मिनी संविधान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसको मिनी संविधान माना जाता है। और उसका कारण ये है कि इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ कई अनुच्छेदों का भी इसके अंदर संशोधन किया गया था। प्रस्तावना के अंदर जो है कुछ शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत के अंदर जो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से अपनाई गई है, या फिर किस देश से एकल नागरिकता की जो हमारी अवधारणा है वो आई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आप कोशिश कीजिए करने की, और इसका अगर सही आंसर की बात की जाए तो भारत में एकल नागरिकता जो अपनाई गई है वो अपनाई गई है
इंग्लैंड से। इंग्लैंड का जो संविधान है उससे भारत के अंदर एकल नागरिकता की अवधारणा आई है। एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरी बात समझ में आई होगी। और इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने जो प्रयास किया उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस इसके अंदर सटीक बैठे हैं, कितने क्वेश्चन आपके इसके अंदर बिल्कुल ठीक गए हैं और बाकी कितने क्वेश्चंस आपको इसके द्वारा सीखने को मिले, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि दोहरी नागरिकता जो है उसकी विशेषता क्या होती है, दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है। एकात्मक सरकार में जो है दोहरी नागरिकता मिलती है, संघीय सरकार के अंदर दोहरी नागरिकता मिलती है, या संसदीय सरकार की विशेषता जो है वो दोहरी नागरिकता है, या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार की जो विशेषता है वो दोहरी नागरिकता है। तो इसके अगर उत्तर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बोलता है संघीय सरकार, जो संघीय सरकार है उसके अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, जिसको कि हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, FEDERAL, फेडरल गवर्नमेंट। और ऐसा जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है USA के अंदर। अमेरिका के अंदर लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, एक नागरिकता जो है वो केंद्र सरकार की होती है और दूसरी नागरिकता उस राज्य की होती है जिसके अंदर वो कोई व्यक्ति उस राज्य का निवासी होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट के संघीय सरकार के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है और ऐसा अमेरिका के अंदर देखने को हमें मिलता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको पसंद आया हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है। तो हमारा जो देश है भारत, उसी का संविधान विश्व के अंदर सबसे बड़ा, और इसके साथ साथ सबसे बड़े के साथ साथ ये सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। हमारे देश का संविधान जो है वो लिखित है और लिखित संविधानों में भी सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। हालांकि अमेरिका का भी संविधान लिखित है, रूस का संविधान भी लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित ना होकर ये संविधान ब्रिटेन का मौखिक है। ब्रिटेन के अंदर मौखिक संविधान है और इसकी जो कार्यप्रणाली चलती है, जो वहाँ की संसद है उसकी जो अवधारणाएं पहले से चलती आ रही हैं, उन्हीं के आधार पर यहाँ की पूरी सरकार चलती है। तो भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार के किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार जो हैं वो हमने किस संविधान से लिए हैं। यहाँ के की जगह किस होना चाहिए, किस देश के संविधान से हमने हमारे यहाँ पर मूलभूत अधिकार, या फिर मूलभूत अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार, और अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाएगा। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस देश के संविधान से हमारे यहाँ आए हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, यूके, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके उत्तर की अगर बात की जाए तो हमारे देश के अंदर जो मूलभूत अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान जो है उसमें मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे क्वेश्चन में इसकी एक चर्चा की गई है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वर्तमान के में हमारे देश के अंदर कितने मौलिक अधिकार लोगों को प्रदान किए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो फिर से एक मौलिक अधिकारों के संबंध में है। इस क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया गया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अवधारणाएं हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो सकें। इसके अंदर पूछा गया है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या थी। यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस एक यहाँ देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पूछा गया है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या है, यहाँ पर वर्तमान की बात नहीं चल रही है। वर्तमान में कितने हैं ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन प्रारंभ में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं ये इसके अंदर नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रारंभ में कितने थे ये इसके अंदर पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किए गए थे, जिसके अंदर कौन कौन से शामिल थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और साथ में एक था संपत्ति का अधिकार। ये 7 जो मौलिक अधिकार थे ये
ये हमारे यहाँ प्रदान किए गए थे शुरुआत में, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें हम, वर्तमान के अंदर, वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार 6 हैं, और क्यों 6 रह गए? एक जो हमारा मौलिक अधिकार था, संपत्ति वाला जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है उसको 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 के अंदर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का मौलिक अधिकार अब समाप्त हो चुका है। अब हमारे यहाँ संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या रह गई है 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और शुरुआत में, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंदर से समाप्त कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये समाप्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है कि कौन सा अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। इन सब के जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि इसका आंसर पहले ही दिया जा चुका है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों मौलिक अधिकार में शामिल हैं, ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसीलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकार ना होकर के संपत्ति का अधिकार को शामिल जो किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। ये एक विधिक अधिकार है, मतलब जो कानून है उसके द्वारा ये संपत्ति अर्जित करने का लोगों को अधिकार प्रदान किया गया है कि संपत्ति अर्जित कर दें, ये एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा गया है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है। सबसे पहले अगर नीति निदेशक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। और ये जो कुछ पॉइंट संविधान के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं कि नियम और कानून जब भी संसद या कोई राज्य विधानमंडल बनाएगा तो वो संविधान के अनुरूप रहेंगे और लोगों के मौलिक अधिकारों को वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे, इस तरह के कानून बनाए जाएंगे। और कानून बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखता है, इनकी चर्चा की गई है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो ये अवधारणा जो है हमारे संविधान के अंदर कहाँ से ली गई है, इसका अगर चर्चा करें हम तो ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, यूके या आयरलैंड। इसके अगर आंसर की हम बात करें नीति निदेशक सिद्धांतों की, तो इसका जो आंसर है हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान के अंदर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आए हैं जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। अब आयरलैंड से इनकी अवधारणा आई है और अन्य क्या क्या चीज़ें आई हैं इनकी भी चर्चा हम आगे हम करेंगे। उम्मीद है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं, सिद्धांत जो हैं, वो आपको समझ में आए हों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूछा गया है संविधान के किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। भारत को कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की बात किस पार्ट में की गई है संविधान के किस भाग के अंदर? तो अब इसके अंदर भाग भी पूछा जा सकता है और इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी इसका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है इन्हीं के अंदर चर्चा की गई है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करने की। और इसकी जो चर्चा की गई है संविधान के भाग चार जो है वो नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करता है, संविधान का भाग चार। और अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार भाग तीन के अंदर वर्णित है, भाग तीन के अंदर मौलिक अधिकार वर्णित हैं, भाग तीन। और अगर हम अनुसूची से कोई हमारा संबंध नहीं है, मौलिक अधिकार जो है वो भाग तीन के अंदर हैं और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो है वो भाग चार के अंदर हैं। तो अगर इसके क्वेश्चन के अंदर भाग दिया होता सीधा सीधा तो भाग चार इसका आंसर हो जाता, भाग चार। और अगर नाम दिया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चर्चा करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 की।
कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के बाद राजनीतिक स्तर पर दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद जो होता है वो उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति की जो मुख्य काम होता है वो राज्यसभा के सभापति का काम होता है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो आंसर नंबर ए। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का यही मेन काम होता है कि उनको जो है राज्यसभा जो हमारा सदन है संसद का, संसद के तीन सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, तीन सदन नहीं दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तीन उसके अंग होते हैं, उसकी भी चर्चा आगे की गई है। जो दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके अंदर जो उच्च सदन होता है, जो भारत के संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, उसका जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति भारत के होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलते हैं वो उनके उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलते हैं, वो उनको वेतन और भत्ते जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के ही मिलते हैं। उम्मीद है आपको उपराष्ट्रपति के संबंध में ये कथन समझ में आए हों। तो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। भारत के राष्ट्रपति की चर्चा इसलिए की गई है यहाँ पर कि भारत की जो संसद होती है, संसद के तीन अभिन्न अंग होते हैं। भारत की जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसके तीन अभिन्न अंग है। संसद की बात अगर करें तो संसद के तीन अभिन्न अंग है। तीनों की अगर बात करें तो वो होते हैं एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संसद जो है इन्हीं तीनों के द्वारा बनती है। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इसका हमारा आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 13 का, संसद का अभिन्न अंग किसको माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है। और इसका कारण क्या है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग मानने के पीछे जो कारण है वो ये है कि जितने भी अधिनियम बनते हैं, जो भी विधेयक संसद बिल जो होता है, जो भी विधेयक होता है संसद के अंदर जो पारित किया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो उस विधेयक को स्वीकार करें या ना करें। इस प्रकार राष्ट्रपति के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक संसद के अंदर पारित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और एक दूसरा कारण है कि संसद का जो पहला सत्र होता है, जो भी उसको बुलाने के लिए राष्ट्रपति उस सत्र को बुलाते हैं, और साथ ही साथ जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। उम्मीद है आपको राष्ट्रपति के संबंध में ये सारी कथन समझ में आए होंगे। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बात की गई है किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे आंसर नहीं है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सी की, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के अंदर एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। हालांकि उस समय पर जब ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे तो और सदस्यों के पर्चे भरे गए थे, लगभग 70-72 के करीब पर्चे भरे गए थे, लेकिन सारे के सारे जो नॉमिनेशंस थे वो कैंसिल कर दिए गए थे, कैंसिल हो गए थे, सिर्फ ये अकेले बचे थे, इसीलिए इनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बात पूछी गई है कि भारत के संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको एकदम, तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता की बात हो रही है, ना कि सत्र को बुलाने की। संयुक्त सत्र को बुलाने की बात नहीं हो रही है, बुलाने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसको बुलाने के लिए राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अध्यक्षता की। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, संसद का वरिष्ठतम सदस्य नहीं होता इसका अध्यक्ष, राज्य का सभापति नहीं होते हैं ये, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति, वो इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, क्योंकि वो
उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद के किसी भी भाग के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी ना किसी लोकसभा के वो मेंबर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं। इसीलिए जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाती है, बल्कि उनके द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चर्चा करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछा गया है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? कोई धन विधेयक की, धन विधेयक की अगर हम चर्चा करें, धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के जो अधिकार होते हैं धन विधेयक के संबंध में वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। राज्यसभा जो है कोई भी अगर धन विधेयक, सबसे पहले तो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा के अंदर वो पारित कर दिया जाएगा, और लोकसभा के अंदर पारित करने के लिए वो राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। तो राज्यसभा के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो उस विधेयक के अंदर किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, और 14 दिन के बाद उस धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास रोक भी नहीं सकती है। यदि 14 दिन से ज़्यादा का समय राज्यसभा अपने पास इसको लगाती है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो धन विधेयक जो है राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। और धन विधेयक के संबंध में एक और बात की जाए कि राष्ट्रपति के पूर्व संस्तुति, राष्ट्रपति की इस धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है। इसलिए जब राज्यसभा से पारित जब हो जाता है ये, तो इसको राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं कर सकते हैं अपने पास, ये इसको रोक कर रख सकते हैं या फिर इस पर अपनी सहमति दे सकते हैं। सिर्फ ये दो काम राष्ट्रपति इसके द्वारा कर सकते हैं, इसको कैंसिल या फिर पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही इसको लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। उम्मीद है धन विधेयक के संबंध में ये सारे कथन आपको समझ में आए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चन की कि लोकसभा के अंदर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो लोकसभा के अंदर जो सारी शक्तियाँ निहित होती हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर निहित होती हैं। राष्ट्रपति इस बात का निर्णय नहीं करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या फिर साधारण विधेयक है या किस प्रकार का या फिर संविधान संशोधन विधेयक है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक किस प्रकार का विधेयक है। हालांकि विधेयक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, बिल बोला जाता है विधेयक को, और बिल जो है वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद, लोकसभा संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की जब अनुमति उसको मिल जाती है फिर वो एक विधेयक या कानून के रूप में बन जाता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल, और जो धन विधेयक है उसको मनी बिल बोला जाता है, फाइनेंस बिल जो है उसको वित्त विधेयक बोला जाता है, और एक विधेयक और होता है संविधान संशोधन विधेयक, जिसके द्वारा संविधान के अंदर यदि कोई संशोधन किया जाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के अंदर पेश किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था उसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें हम, तो इसके अंदर पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसको पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हर किसी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर ये पंचायती राज शामिल होता है उसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिनिमम कम से कम पूछे ही जाते हैं इसके अंदर। तो अगर बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज जो है उसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम उसके द्वारा, और कब हुआ था ये, 1991, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वें की बात करें तो 74वां जो संविधान संशोधन है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नगर पालिकाएँ हैं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दोनों ही पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन अधिनियम है, एक 73वां और 74वां। 73वां हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पंचायती राज की बात है इसमें की गई है तो 73वां, और अगर नगर पालिकाओं की बात की जाती तो नगर पालिका के लिए 74वां हमारा आंसर हो जाता। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं। तीन स्तर की, त्रिस्तरीय मतलब तीन स्तर, पंचायती राज जो हमारी व्यवस्था है उसके अंदर तीन स्तर कौन कौन से हैं, कौन कौन से तीन स्तर इसके अंदर हैं। ग्राम सभा, अंचल पंचायत, यहाँ कॉमा होना चाहिए, ग्राम सभा, अंचल पंचायत और पंचायत समिति क्या है, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है। जनपद पंचायत, तालुका पंचायत या अंचल पंचायत, क्या ये तीनों जो है पंचायती राज के तीन स्तर हैं, नहीं ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, जी हाँ क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही आंसर है। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र के अंदर जो तीन स्तर हैं वो हैं, सबसे पहला और सबसे निचला स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत का, जो कि जिसके अंदर मुख्य रूप से ग्राम सभा आती है। ग्राम पंचायत में जो चुनाव होते हैं वो उनके मेंबर्स के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो ग्राम के प्रधान होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं समिति के उनको डायरेक्टली जनता के द्वारा चुना जाता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव इसके अंदर होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। और दूसरी जो आती है हमारी ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, इसके अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो मेंबर्स चुनकर नीचे से आते हैं ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से ब्लॉक के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जिला परिषद की बात की जाए तो सेम जो इसके चुनाव होते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के भी चुनाव होते हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछने की संभावना लगातार बनी रहती है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो कौन से समिति के नाम दिए गए हैं, इनमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। हमने तीन स्तर जो थे वो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जाने थे कौन कौन से होते हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तर की सिफारिश की थी। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो स्तर के पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, तो दो स्तर की चर्चा की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने दो स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता के अंदर तीन शब्द होते हैं तो तीन स्तर की इन्होंने सिफारिश की थी, इसके अंदर दो शब्द होते हैं अशोक मेहता तो इसने जो है दो स्तर की सिफारिश की थी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर बात करें क्या पूछा गया है, तो भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार के संविधान के मतलब किस संविधान से लिए गए हैं या फिर कहाँ के संविधान से भारत के संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार लिए गए हैं। अमेरिका, सोवियत संघ, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की अगर बात की जाए तो मूलभूत अधिकार, शायद ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो भारत के अंदर जो मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। इसके अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर एक बार बताया जा चुका है इसका, उम्मीद है आप इसका आंसर करने में पूरी तरह से सक। तो मूलभूत अधिकारों की अगर बात करें तो मूलभूत अधिकार जो है अमेरिका के संबंध से भारत के अंदर लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो साथियों ये हमारा सेशन 20 क्वेश्चन का आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आगे इसी तरह के और सेशंस के साथ आपके साथ चर्चा होती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।